इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमें हमारा CRM सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है। CRM सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए आपको जो लिंक मिली है CRM की, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक ऐसी लॉगिन स्क्रीन आएगी। लॉगिन स्क्रीन में आपको आपका आईडी और पासवर्ड डालना है। टॉप पे आईडी डालना है और नीचे पासवर्ड डालना है, जिसकी वजह से आपका सारा डेटा है वो सिक्योर रहे। जिसके पास आपका आईडी पासवर्ड है वही वो सब चीज़ें देख सके। आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद नीचे लॉगिन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप लॉगिन पर स्क्रीन क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको जो स्क्रीन आएगी वो होगी टास्क लिस्ट, मतलब आपने जो पहले टास्क ऐड किए होंगे तो यहाँ पर आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो तो ये पेज ब्लैंक आएगा। नया टास्क ऐड करने के लिए यहाँ टॉप पर न्यू रिकॉर्ड का बटन है, वहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे ही न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसा स्क्रीन ओपन होगा। उसमें सबसे पहले डेट डालिए कि कोई नई इंक्वायरी है तो उसे कब फॉलोअप लेना है, तो वो डेट डाल दी कि भाई उसे 3 तारीख को फॉलोअप लेना है। उसके बाद उस क्लाइंट का नाम डाल दो, उसका एड्रेस डाल दो जितना आपको एड्रेस रखना है, उसका मोबाइल नंबर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो ताकि हम उसे कॉन्टैक्ट कर सके, उसका ईमेल आईडी डाल दो। उसके बाद किस वर्क के लिए इंक्वायरी है वो वर्क यहाँ पर एंटर कर दो। रिमार्क लिख दो, कुछ रिमार्क में लिखवाना हो तो कोई रिक्वायरमेंट, उसने स्पेशल रिक्वायरमेंट दी हुई हो तो उसकी रिक्वायरमेंट याद रखने के लिए रिक्वायरमेंट रख सकते हैं। हमने उसको कोई पैसा लेना देना है तो कोई अमाउंट मेंशन करने तो अमाउंट लिख दो। और वर्क स्टेटस, मतलब कि अगर आपने उसका वर्क किया है तो अभी क्या स्टेटस है, वो यहाँ पर सब लिख के सबमिट कर लेते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारी पेज पर वो रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। देखो ये जो लास्ट वाला है वो लास्ट में क्यों है, क्योंकि इसमें हमें जैसे फॉलोअप लेना है उसके हिसाब से देखेगा। जिसको सबसे पहले आज के दिन में जिसे कॉल करना है या जिसका कांटेक्ट करना है वो टॉप पर दिखेगा, तो ऐसे ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा। मतलब हमारे पास ज़्यादा इंक्वायरी है तो हमें वही इंक्वायरी दिखेगी जो हमें आज जिसका फॉलोअप लेना है या फिर जिसका फॉलोअप लेना बाकी है, खाली वही उस हिसाब से यहाँ पर शो होगी। सबसे पहले पहली तारीख वाली, उसके बाद दूसरी तारीख वाली, उसके बाद तीसरी तारीख वाली। अभी मान के चलो कि जो पहली तारीख वाली है उसको हमें फॉलोअप लेना है, अगर इसको कॉल करना है तो उसके नंबर पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसका नंबर ऑटोमेटिक डायल हो जाएगा। अगर हमें उसे मेल करना है तो उसके ईमेल आईडी पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको मेल जाने के लिए उससे मेल ओपन हो जाएगा, उसका ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर हमें उसे व्हाट्सअप करना है तो जैसे ही हम यहाँ सेंड मैसेज पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका व्हाट्सअप ओपन हो जाएगा। अभी मैं व्हाट्सअप ओपन नहीं कर रहा हूँ। अभी मान के चलो मैंने राकेश भाई को कॉल किया या राकेश भाई को मीटिंग की, उसके साथ फॉलोअप में कुछ बात हुई तो मुझे एडिट करना है तो मैं उसके नाम पर क्लिक करूँगा तो मुझे एडिट करना पड़ेगा। अभी पहले उसने बोला था कॉल टुमारो, मैंने टुमारो कॉल किया तो उसने बोला कि भाई अभी नेक्स्ट मंडे आकर पेमेंट ले जाओ। बराबर, तो मैंने कर दिया नेक्स्ट मंडे, और अभी नेक्स्ट मंडे का उसे फॉलोअप लेना है तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट मंडे की डेट सेट करके अपडेट कर देता हूँ। तो अभी जब मैं नेक्स्ट मंडे ओपन करूँगा तब उसका टॉप पर आएगा। अभी जो दूसरा होगा उसका हम फॉलोअप लेंगे। सपोज ये महेश प्राइवेट लिमिटेड का हमने फॉलोअप ले लिया। इस तरीके से आप जो जो फॉलोअप ले रहे हो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बाहर से क्लिक करना है, उसका स्टेटस अपडेट करना है और नेक्स्ट फॉलोअप डेट यहाँ से सेट करनी है। ये हो गया उसका फॉलोअप लेने का, एकदम इजी है। लॉगिन करना है, लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले पहला पेज वही खुलेगा कि आज के दिन में किन किन लोगों का फॉलोअप लेना है। जैसे जैसे फॉलोअप लेते जाओगे वैसे वैसे उसकी डेट आगे भेज दोगे कि नेक्स्ट फॉलोअप कब लेना है, और स्टेटस में अपडेट कर दोगे कि भाई उसके साथ क्या लास्ट में क्या क्या बात हुई थी और अभी आगे जाकर क्या क्या बात करनी है। इतनी चीज़ें होगी। अब इसके अलावा मान के चलो कि इस वाली इंक्वायरी है, ये इंक्वायरी कैंसिल हो गई, उसने मना कर दिया, तो उसे हमें वर्क कैंसिल करके अपडेट करना है। जिससे क्या होगा कि वो कैंसिल वाली हमें अभी बीच में नहीं आएगी, अभी बीच में वही आएगी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमें मिस नहीं होनी चाहिए, जिसका मिस होने से हमें बिजनेस में कोई लॉस है। अगर मान के चलो कि कोई एक इंक्वायरी है वो कंफर्म हो गई है तो उसे क्लिक करके यहाँ पर उसका स्टेटस डन कर दो, वर्क डन, मतलब ये हो गई है, अभी इसका फॉलोअप नहीं लेना है। मतलब होम पेज पर हमें खाली उतनी ही इंक्वायरी दिखेगी जिसका हमें फॉलोअप लेना है। किसी को भी कॉल करना है तो सिंगल क्लिक पे कॉल लग जाएगा, किसी को भी मैसेज करना है तो सिंगल क्लिक पे मैसेज लग जाएगा, किसी को भी व्हाट्सअप मैसेज करना है तो सिंगल क्लिक पे व्हाट्सअप मैसेज हो जाएगा। इसके अलावा हमने जो जो डील कंफर्म की हुई है, कैंसिल की है, उसका भी रिपोर्ट देखना है तो यहाँ डील में जाएंगे फाइन डील पर क्लिक करेंगे तो फाइनल डील की सारी डिटेल्स दिखेगी,
कैंसिल पर क्लिक करेंगे तो कैंसिल डील की सारी डिटेल्स दिखेगी। इस सीआरएम के अंदर एकदम सिंपल सीआरएम है, आपको लॉगिन करना है, सभी एंट्री का सारा रिकॉर्ड्स ऐड करना है, जिसको जिसको फॉलोअप लेना है वैसे वैसे रेगुलर डे टू डे अपडेट करते रहना है। और डील कैंसिल हुई है तो कैंसिल रजिस्टर में डाल दो, फाइनल हुई है तो फाइनल रजिस्टर में डाल दो।